बच्चों क्लास सिक्स में इस बार जो हिंदी के पाठ्यक्रम में किताब लगी है उसका नाम है पंखुड़ी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता स्वदेश प्रेम, जो कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय एकता के कवि हैं। इनके कविता में सदैव हर स्थान पर आपको राष्ट्रीय बातें, देश को समर्पित करने योग्य बातें ही ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती हैं। स्वदेश प्रेम कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई, जिसको हम लोग सबसे पहले आज पढ़ते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि कविता को जब तक कविता का रूप नहीं दिया जाता वो कविता नहीं होती। कविता को कविता के ढंग से जब तक पढ़ा नहीं जाएगा कविता आपको याद नहीं हो सकती। इसलिए कविता को खूब अच्छे ढंग से पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे तो कविता आपको बहुत ही अल्प समय में याद होगी। चलिए आज कविता हम लोग पढ़ते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल वै विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मात्र भूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बढ़े हुए लेकर उसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा से ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त से सो जब तक तन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कविता स्वदेश प्रेम कविता को इस तरीके से पढ़ा जाए बहुत ही कम समय में याद होगी। अब हम लोग इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि विश्वत रेखा पर रहने वाला, विश्वत रेखा पर रहने वाला वह व्यक्ति, ये लोग अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां पर हाँफ हाँफ कर जीते हैं। हाँफ हाँफ कर जीने का मतलब यह है कि विश्वत रेखा पर इतना अधिक तापमान होता है कि वहां पर अथाह गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि विश्वत रेखा पर रहने वाला वह मात्र भक्त, वह देशभक्त अपनी भारत माता से इतना प्रेम करता है कि वह पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करता है, अपूर्व प्रेम करता है और अपनी मातृभूमि से बहुत ही अनुराग रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। जो लोग ध्रुववासी हैं, जो ध्रुवों पर रहने वाले हैं, जहां पर हमेशा हिम में तम में हमेशा बर्फ का पहाड़ जैसा लगा रहता है और कुछ समय के लिए तो वहां लगातार अंधकार ही होता है, तो वहां पर रहने वाला व्यक्ति कांप कांप कर हमेशा उसके शरीर में कंपन होता रहता है, उसे इतना ज्यादा जाड़ा लगती रहती है कि वह हमेशा कांपता रहता है। लेकिन उसे भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम होता है कि अपने प्राणों को
वह वहीं पर न्यौछावर कर देता है, वहीं पर स्वयं का बलिदान कर देता है, लेकिन अपने अपने भक्ति को, अपनी देश भक्ति को के लिए किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक नहीं लगने देता। इस तरीके से सभी को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी भी कहते हैं कि हे बंधु, तुम तो स्वर्ग में, तुम्हारा जन्म जो हुआ है स्वर्ग में हुआ है। क्यों? क्योंकि जहाँ की जलवायु सम तापमान की हो, जहाँ ज्यादा न जाड़ा पड़े न ज्यादा ठंडी पड़े न ज्यादा बरसात हो, तो ऐसे स्थानों पर जो लोग जन्म पाते हैं तो ये मानो स्वर्ग में जीवन यापन कर रहे हैं। ये सुखद सकल विभवों की आकर तुम सुखों की खान हो, संपूर्ण सुखों की खान में तुम्हारा जन्म हुआ है। धारा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। पृथ्वी पर श्रेष्ठ हे मानव, तुम अपनी मातृभूमि में जन्म पाकर के तुम अपने जीवन को धन्य किए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रचे, तुमने जिस मातृभूमि के जल को ग्रहण किया, उसके अन्न को ग्रहण किया और उसी को खा करके आप बड़े हुए और उसी की धूल में खेल खेल कर आप इतने बड़े हो गए। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। जिसका जल अन्न ग्रहण कर, जिसकी मिट्टी में खेल कर हम इतने बड़े हुए, तो यहाँ पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी देश भक्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर देने की बात कह रहे हैं कि तन रहते कैसे तज दोगे, इस शरीर के रहते हुए तुम कैसे इसका परित्याग कर दोगे, इसका त्याग कर दोगे उसको हे वीरों के वंशज, हे उस वंशावली के वीर जो कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट, एक भी धड़कन रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। हे वीरो, जब तक एक साथ भी एक भी दम हो, जब तक आपकी शरीर में ऊर्जा हो, जब तक आपकी शरीर में ऊर्जा हो, जब तक शरीर में कुछ अवशिष्ट कुछ भी शेष बचा हो और आपके शरीर में एक भी धड़कन बची हो, तब तक तुम्हें क्या करना है, रखो आत्मगौरव से ऊंची, तब तक तुम्हें अपने आत्म सम्मान से, स्वाभिमान से अपनी पलकों को, अपने सिर को, अपने मान मर्यादा को हमेशा हमेशा ऊंचा उठाए रखना है। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय, जब तक इस शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष बची हो, तब तक हे शत्रुओं को जीतने वाले वीरों, तब तक इस शरीर को इस मातृभूमि के लिए समर्पित करो। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। हे वीरों, कभी भी आप अपने आत्मसम्मान को कभी भी नीचा ना करें, कभी भी आप दुखी मन से अपनी व्यथा को किसी से ना कहो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मृत्यु का तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है कि दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, आपको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं को मातृभूमि के लिए समर्पित कर देना एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। इस तरीके से यह कविता पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित कविता की पूर्ण व्याख्या हुई। वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे, मैं आशा करता हूँ अपने विद्यार्थियों से कि निश्चित रूप से यह व्याख्या आपको बहुत ही कम समय में याद हो जाए। धन्यवाद।